सो अभी मैं कावासाकी नवी मुंबई में आया हूँ और अपने साथ है एक्सक्लूसिव द वर्सेस 650. सो टॉकिंग अबाउट द ऑन रोड कॉस्ट ऑफ दिस लवली वर्सेस 650, तो मुंबई में ये आपको पड़ेगी अप्रोक्सीमेट बेस्ट चीज ये वाली बाइक में इंट्रोड्यूस किया है. यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ऑल LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ऐसे वीडियोस वगैरह लाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और कुछ नहीं. हेलो YouTube फैमिली, हाउ आर यू ऑल. आई होप आपको इसके पहले जो निंजा 400 का व्लॉग था वो बहुत पसंद आया होगा. तो आज अपने चैनल पे मैं कावासाकी का एक और बाइक है उसको फीचर करने वाला हूँ जो एग्जैक्टली अपने पीछे खड़ी है. दिस इज द ऑल न्यू जनरेशन वाला कावासाकी वर्सेस 650. तो ये वाली बाइक जो है और अपनी प्रीवियस जनरेशन की जो बाइक है जो उसके पीछे ही खड़ी है, आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है. मैं वो आपको ये व्लॉग में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो बने रहिए व्लॉग में. इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट अवे एंड चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं. सो अभी मैं कावासाकी नवी मुंबई में आया हूँ और अपने साथ है द वर्सेस 650. सो पहले तो मैं आपको वर्सेस 650 का वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कि ये बाइक एग्जैक्टली इन फ्लैश दिखती कैसे है. मुझे तो यार काफ़ी पसंद आई है बिकॉज गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग है और आप देख सकते हो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पुरानी वाली बाइक में तो बिल्कुल भी नहीं थे. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बाइक एक्सक्लूसिवली दिखती कैसे है. सो द ऑल न्यू 2022 वर्सेस 650 कम्स विद द ब्रांड न्यू फेयरिंग. जो प्रीवियस जनरेशन बाइक थी उसमें ये वाली फेयरिंग नहीं थी. एंड सबसे बेस्ट चीज आपको मैं बताता हूँ, ये जो बाइक है ना, अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअली में वर्सेस 1000 है. तो इसका जो लुक है बहुत ही मैसिव बनाया है कंपनी ने. और अगर आप देखोगे इसकी जो कलर स्कीम है वो पहले वाली जनरेशन से थोड़ी बहुत सिमिलर है जो एग्जैक्टली अपने पीछे है. यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन जो है वो भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली दोनों बहुत डिफरेंट है बट स्टिल दे हैव द सेम DNA. सो इस बार कंपनी ने एकदम बेस्ट चीज ये वाली बाइक में इंट्रोड्यूस किया है कि इसका जो विंडस्क्रीन है वो ऑन द गो आप एडजस्ट कर सकते हो. और जो प्रीवियस जनरेशन की बाइक थी उसमें जो विंडस्क्रीन लगा हुआ है वो ऑन द गो एडजस्टेबल नहीं है. सो अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करोगे जो प्रीवियस जनरेशन की बाइक है और न्यू बाइक में, तो आपको फटाफट एक डिफरेंस पता चल जाएगा कि उसका जो फ्रंट लुक है वो बहुत डिफरेंट है अपनी न्यू बाइक से. बिकॉज दिस इज द ऑल न्यू 2022 लुक विच कंपनी हैज गिवन एंड द हेडलाइट्स आर क्वाइट डिफरेंट. इसमें थोड़े से चेंजेस हैं जो प्रीवियस बाइक में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे. एंड सेकेंडली आप अगर देखोगे तो विंडस्क्रीन के बारे में तो मैंने आपको कहा ये भी डिफरेंट है. देन यू सी यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कंपनी ने ये जो बीक है ये दिया हुआ है और वो वाली बाइक में वो बीक जो है वो काफ़ी छोटा सा दिख रहा है. यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ऑल LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और काफ़ी अच्छा फ्रेश लुक दिया है कंपनी ने. यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट्स है एंड द फिट एंड फिनिश फील्स वेरी गुड.
The mirrors are similar to the previous generation mirrors, you can see. And बाकी तो अगर आप सीट हाइट वगैरह देखोगे वो भी काफ़ी सेम है. साड़ी गार्ड कंपनी ने दिया हुआ है यहाँ पे, सो ये भी एक स्टैंडर्ड फीचर है. टैंक का ये वाला डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आया है. अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि एक टैंक पैड है. सो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वाला बाइक अच्छा लगा. सो टॉकिंग अबाउट द ऑन रोड कॉस्ट ऑफ दिस लवली वर्सेस 650, सो मुंबई में ये आपको पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 9 लैक्स ऑन रोड. सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ऐसे वीडियोस वगैरह लाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और कुछ नहीं. ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, और अपना जो हेलमेट है उसे पहनना भूलना मत. साइनिंग ऑफ, बाय बाय.